यस माय सेल्फ इज प्रशांत कुमार मिश्रा डीएलएड 4 सेम। तो आज मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, जिन वाक्यों में ता है ती है ते हैं जैसे आदि शब्द आते हैं वो आपके प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होते हैं। और फिर हमने प्रेजेंट डेफिनिट के बाद में आपको पास्ट डेफिनिट टेंस बताए थे जिनमें ता था ती थी थे शब्द आते हैं, जहाँ पर हम प्रेजेंट में हम सही क्रिया के रूप में डू और विच का वो कर रहे थे प्रयोग, और पास्ट इंडेफिनिट में हम आपके डी आई डी डिड और सी ओ यू एल डी वुड का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन ये जो आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हैं भविष्य वाले, ये वाले वाक्यों की पहचान जो होती है जिन वाक्यों के बाद में गा दी गे आदि शब्द आते हैं, गा दी गे, जैसे वह गाना गाएगा है ना, वह खाना खाएगा, मैं वहां जाऊंगा है ना। तो अगर ये वाक्य आते हैं तो वहां पर आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं। और ये वाली बातों को बुलाने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर आपका जो अर्थ आपका है आई और वी है ना, मैं और हम है, तो हम ये वालों के साथ एस एच ए डबल एल शेल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ हम सहायक क्रिया शेल का प्रयोग करते हैं वर्ब का, जबकि बाकी ही सी आई टी इट यू दे के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। ही शी इट यू दे के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो ये वाले वाक्य कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब आपका, कौन सी है आपकी वर्ब शेयर या विल है ना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। तो ये वाक्य हम कैसे बनाते हैं कि हम सबसे पहले आपका जो को बनाने का जो नियम है, सबसे पहले लेंगे आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी लेंगे विल और शेयर, और विल और शेयर के बाद लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वाले आपके साधारण वाक्य बनाने का नियम है। जैसे हम एक वाक्य देखते हैं, वह पानी पिएगा है ना, ये आपका वाक्य है वह पानी पिएगा, तो वह पानी के लिए हम क्या करेंगे, He will drink the water, वह पानी पिएगा, he will drink the water first of all जाएगा। अगर हमें यही बात आपके नकारात्मक बनाने हैं तो हम क्या करेंगे कि नकारात्मक वाक्य जो होते हैं आपके नहीं वाले वाक्य जो होते हैं हम उनको बनाने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, फिर आपका प्लस विल और शेयर, और विल और शेयर के बाद फिर हम आपका लगा देते हैं नॉट है ना। और नॉट वाले जो वाक्य होते हैं हम उनको नॉट लगा दें, फिर नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। जैसे अब आपका जो वाक्य है वह क्या है, वाक्य आपका है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो सबसे पहले हम जाएंगे आई, इसके बाद में आपका चूंकि मैंने पहले बताया था कि आई और वी के साथ में हम लगाएंगे शैल, आई शैल, फिर आया नहीं आई शैल नॉट, फिर स्कूल जाऊंगा गो टू स्कूल, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। तो हम ये प्रकार से आपके नकारात्मक वाक्य बनाएंगे। और अगर आपके इंटरोगेटिव वाक्य हैं, अगर आपके इंटरोगेटिव वाक्य हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हैं, क्या की कैसे चालू होने वाले, तो प्रश्नवाचक वाक्यों में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका विल शेयर,
will shall be verb of the subject. ऑब्जेक्ट के बाद आपका फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। जैसे वाक्य में लिया, क्या मैं एटा जाऊंगा, तो यहां पर हम करेंगे शैल आई गो टू एटा, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह हम क्या करेंगे, बाद में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह और शैल आई गो टू एटा के बाद में ऐसे वाक्य में प्रश्नवाचक बनाएंगे। और अगर कोई वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक आए शब्द अगर और प्रश्नवाचक के साथ में वो आपका वाक्य इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, तो मतलब प्रश्नवाचक शब्द के साथ में वह वाक्य आपका नकारात्मक भी हो तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम इस पर बनाएंगे मैं एटा क्यों नहीं जाऊंगा, मैं एटा क्यों नहीं जाऊंगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये जो है जो लगा है ये मेन कर लगाएंगे वाई, डब्ल्यू एच वाई मान होता है क्यों, वाई शैल आई आई और फिर है आपका नहीं, तो will shall I not go to एटा। तो हम ये प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वाक्य बनाते हैं। अच्छा और विल और शैल का ही इसमें प्रयोग है, केवल इतना ही ध्यान रखना है कि ही शी इतने यूते के साथ हमें लगानी है विल, और बाकी आई और वी के साथ यानी मैं और हम के साथ आपको लगानी है शैल, बाकी वर्ब की वो लगानी है फर्स्ट फॉर्म और आपको वाक्य बनाना है, यही आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और ये वाले वाक्यों को आप आज ही अपना जो घर है वहां पर वाक्य आप बनाएंगे, सात वाक्य बनाएंगे, जैसे मैं तुमको पैसे दूंगा, वह अपने घर कौन से रास्ते से जाएगा, यह शेर आज विश्राम क्यों नहीं करेगा। तो ये प्रकार के जो वाक्य हैं हमको इसमें यूं ही हमको ये वाक्य बनाने हैं। और आज आपका जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कल प्रेजेंट इंडिविजुअस टेंस के बारे में बताएंगे। अब तक आप अपना जो है घर पे रहें, तैयारी करें, पढ़ें लिखें और अपने परीक्षा पत्र को देखें। बाय बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।